नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इमरजेंसी एक्सप्रेस में। आज बात करेंगे रे सिंड्रोम के बारे में। दोस्तों रे सिंड्रोम को रे सिंड्रोम क्यों कहते हैं, सबसे पहले तो ये जानते हैं। दोस्तों 1963 में ऑस्ट्रेलिया के एक पैथोलॉजिस्ट जिनका नाम है डुगलस रे, उन्होंने इस सिंड्रोम को डिस्कवर किया था, इसलिए इसको हम रे सिंड्रोम बोलते हैं। दोस्तों बात करते हैं इसकी इटियोलॉजी यानी इसके कारणों के बारे में, किस वजह से होता है। दोस्तों एग्जैक्ट कॉज इज अननोन। दूसरी चीज, ऐसे लोग जिनको इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन या फिर चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन या कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है और उस वायरल इन्फेक्शन के दौरान या उस वायरल इन्फेक्शन के बाद वो एस्पिरिन का यूज करते हैं, सेलिसिलेट्स का यूज करते हैं, तब ऐसे लोगों में रे सिंड्रोम के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा केस ये देखा गया है दोस्तों, जो इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म के केस होते हैं उसमें रे सिंड्रोम के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों बात करते हैं साइंस और सिम्टम्स के बारे में। दोस्तों साइंस सिम्टम्स रे सिंड्रोम के 5 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए, स्टेज 1-5 तक इसकी स्टेजिंग करी गई है सीवियरिटी के बढ़ते हुए क्रम में। दोस्तों सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स इसके क्योंकि इसमें मेनली लीवर का डैमेज होता है और साथ में ब्रेन का डैमेज होता है, तो सारे सिम्टम्स आपके लीवर डैमेज और ब्रेन डैमेज से रिलेटेड आएंगे। ब्रेन डैमेज की वजह से यानी सारे के सारे सिम्टम्स आपके मेनिनजाइटिस वाले सिम्टम्स मिलेंगे, जिसमें आपका स्टार्टिंग होगा लेथार्जी के साथ में, फिर कंफ्यूज होगा, फिर उसके बाद में आपका डिलीरियम, कोमा और डीप कोमा, फिर एस्टेब्लिश्ड कोमा और डेथ होने के भी चांसेस 20-40% केसेस में हो जाते हैं। दोस्तों इसमें वोमिटिंग मिलती है, जो कि खाना आप खाओ चाहे ना खाओ उसके बाद भी वोमिटिंग होती रहती है, इंट्रैक्टेबल वोमिटिंग इसमें स्टार्ट हो जाती है। बाकी इसमें आप अगर ब्लड लेवल्स देखेंगे तो आपको ग्लूकोज का लेवल कम मिलेगा, साथ में आपको प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ा हुआ मिलेगा, अमोनिया का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। दोस्तों इसका प्रिवेंशन, इसको रोकना कैसे है, दोस्तों हमें पता है 90% केसेस में इट इज रिलेटेड विद द यूज ऑफ एस्पिरिन और सैलिसिलिक एसिड्स। इसलिए हमको क्या करना है कि 90% केसेस को रोकने के लिए हमें एस्पिरिन और सैलिसिलिक एसिड का यूज सिर्फ किस में रोकना है, वायरल डिजीजेस में रोक देना है, प्रोहिबिट कर देना है। कई सारी कंट्रीज ने ऐसा किया भी है और ऐसा करने के बाद में उन्होंने देखा है कि बहुत सारे केसेस रे सिंड्रोम के कम हो गए। दोस्तों रे सिंड्रोम से रिलेटेड अगर और कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और देखते रहिए इमरजेंसी एक्सप्रेस।